बोलिए सच्चे दरबार की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपिंचजम्बूफल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय श्री उमा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिनसे भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन में सी। लाल देह लाली लसन हरिधर लाल लंगूर वज्र देह दामोदरन जय 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 कपिसु। शिव समान दाता नहीं विपद विदारनहार लज्जा सबकी राखियो शिव बलनसवा। चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुति। तो जय 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 श्री श्याम की विनय करूं कर जोड़ और भूल क्षमा कर दी देख भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए खाटू नरेश की
पिछले चार दिनों से पूरे हिंदुस्तान के जुबा पर बड़ौदा का नाम है। हर न्यूज़ चैनल बड़ौदा दिखा रहा था और कल रात को 11 बजे तक भी ये नहीं पता था कि हम आज यहाँ पर होंगे, लेकिन एक विश्वास ज़रूर था कि बाबा को बुलाए हैं, कोई आए ना आए बाबा जरूर आए। मेरे पास कल दिन में जब टेलीफोन आया था, मैंने एक ही बात कही थी, इंसान तो फिर भी बहाने मार देते हैं कि मैं बारिश ज़्यादा हो गई, फंस गया, ये काम था फंस गया, लेकिन यहाँ बहाना नहीं है। अगर हमने अपनी अंतरात्मा से इसको बुलाया है तो चाहे कुछ भी हो जाए ये जरूर आएंगे। और अगर आप लोग भैया 10-5 लोग भी अगर वहाँ पर दरबार में बाबा का स्वागत करने के लिए रहोगे तो मैं जान की बाजी लगा कर भी कलकत्ते से जरूर आऊँगा, चाहे बाबा जैसे बुलाए। और आज बाबा की कृपा है, बाबा भी आए, आप सबको भी बुलाया, जिन पर बहुत विशेष कृपा थी उन सबको बाबा ने बुला लिया। मुझे इस दरबार में आते ही बहुत अच्छा लगा कि पहले सब चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर मैंने प्रवेश किया और भैया गा रहे थे भजन, और बहुत से लोग नीचे आकर विराजमान हो गए बाबा के श्री चरणों में, कीर्तन का माहौल तभी बनता है। एक ही निवेदन करूँगा मैं आपसे, थोड़ी देर अपने आप को भूल जाइए, आप क्या है, क्या माइनस है, क्या प्लस है, ये भूल कर मेरे साथ भजन कीजिए, सीधे भजन, राग आए ना आए कोशिश कीजिएगा शब्दों को, अगर एक लाइन के चार शब्द भी अगर आपकी जुबान से निकल गए, मेरा पूरा भजन सुनकर ये आएगा कि नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कसम श्याम की आपके एक शब्द पर थोड़ा चलाएगा आपके पास, मुझे विश्वास दिलाना जी। शुरू करूं इससे पहले, हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि जमाना शाम का है, फिर भी पूछ लेता हूँ, कौन कौन ऐसे हैं जो खाटू नहीं गए, जो कभी खाटू नहीं गए, एक बार हाथ उठाकर बताएं, जो कभी खाटू नहीं गए, शर्म मत करें, जो कभी खाटू नहीं गए एक बार हाथ उठाकर बताएं, क्या बात है, 4-5 हाथ हैं। एक ही निवेदन करूँगा, जिंदगी में अपना एक एम बना लीजिए, आज नहीं तो 5 साल बाद आपको जाना पड़ेगा, गारंटी से कहता हूँ, लेकिन जितनी जल्दी जाओगे उतना प्लस मिलेगा। 30 साल पहले बाबा ने मुझे बुलाया, उस समय मंदिर में 5-5 घंटे बैठे रहते थे, कीर्तन भजन चलता रहता था, लोग नाचते रहते थे, कूदते रहते थे, पता ही नहीं चलता था सुबह से लेकर शाम कैसे हो जाती थी, लेकिन 30 सालों में बदलाव हो गया, लोगों के काम बने और भीड़ इतनी हो गई कि आप 1 मिनट भी मंदिर में खड़े रहने के लिए पोजीशन नहीं है। 5 साल बाद हो सकता है जाना तो पड़ेगा, लेकिन 5 साल बाद हो सकता है जैसे वैष्णो रानी के दरबार में दर्शन करने जाते हो तो नीचे कटरा में टोकन मिलता है और आपको बता दिया जाता है कि आपका नंबर 10 घंटे बाद आएगा या 20 घंटे बाद आएगा, तो हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद आप जाओ तो आपको रिंगस पर रुकना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, लेकिन अगर आज जाओगे तो ये दिन आपको हमेशा याद रहेंगे। इसलिए आइए प्रेमियों, जो खाटू गए हैं वो क्या कह रहे हैं बाबा से, अपने बाबा से।
जब से मिला तू सांवरे किस्मत संवर गई, जब से मिला तू सांवरे किस्मत संवर गई, मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी अब रोशन हो गई, मेरी अंधेरी जिंदगी अब रोशन हो गई। ये भगवान कृष्ण 16 कला निपुण थे, साम दाम दंड भेद सब कुछ था, लेकिन ये जो बैठे हैं ना श्याम, इनका नाम बरबरीक था, और इनको जो वरदान भोलेनाथ ने दिया था, और उस वरदान के चलते जब महाभारत लड़ने के लिए घर से निकले तो भगवान कृष्ण भी सोच में पड़ गए कि इसके पास ऐसी शक्तियां हैं, अगर ये युद्ध में कूद गया और माँ को वचन देकर निकला था कि दुनिया को जीतते हुए जो पीछे भागती है मैं उसका हाथ पकड़ूंगा जो हारता रहेगा, और भगवान कृष्ण ने सोचा कि जिसके पास 3 बाण भोलेनाथ के हैं और 1 बाण से ये वरदान है, 1 बाण सृष्टि को अगर निशाना बना दिया तो एक भी प्राणी नहीं बचेगा, अगर वो महाभारत में लड़ने के लिए आया और माँ को वचन देकर आया कि हारे का साथी बनूंगा, मेरे रहते पांडव हारेंगे नहीं, और कौरवों को हारता देखकर ये अगर कौरवों की तरफ से लड़ गया तो ना कौरव बचेंगे ना पांडव बचेंगे, असत्य पर असत्य की विजय कभी भी नहीं हो सकती, कृष्ण तू भी नहीं करा सकता। भगवान कृष्ण को याचक बनकर रास्ते में रोकना पड़ा, और सकता है वो हम जैसों को क्या नहीं दे सकता, सिर्फ इतना ही। और जब शीश दान दिया तब भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप में आकर आशीर्वाद दिया कि कलयुग तेरे नाम करता हूँ, ये बाण महाभारत के युद्ध में काम नहीं आए लेकिन ये बाण काम आएंगे, माँ को दिया वचन महाभारत के युद्ध में काम नहीं आया लेकिन कलयुग में काम आएगा, जो सारी दुनिया से हार कर तेरी शरण में आकर कह देगा बाबा मैं हारा और तू हारे का, वहां पर ये वचन काम आएगा, और ये बाण उन भक्तों के संकट काटने के काम में आएंगे, ये इंसान को काटने के काम में नहीं आएंगे, ये भक्तों के संकट काटने में ये बाण काम आएंगे। आइए प्रेमियों अपने आप को भूल कर आइए मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, जब से मिला तो जन्मों जन्म का सांवरे तेरा।
Thank you.
मैं वैसे भी हूँ, ये अपनी माँ को दिया वचन निभाने के लिए जरूर आएगा। क्यों आएगा बताऊँ? आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। खिलों की लाज श्याम, खिलों की लाज श्याम बजाता ही रहेगा। मल्टीप्लेक्स में सभी जाते हैं, पिक्चर हॉल में जाते हैं, वो पिक्चर हॉल में ऐसा क्या होता है कि आप ढाई घंटे आपके साथ जो जाता है वो भी अगर कुछ बोलता तो उसको 2 मिनट कर दे, अभी नहीं, ऐसा अटेंशन, फोन साइलेंट होते हैं। उन ढाई घंटों के अंदर पानी की प्यास नहीं लगती, उन ढाई घंटों के अंदर में बिजनेस याद नहीं आता, परिवार याद नहीं आता, बगल में जो इसके साथ आए हैं उसकी भी सुध-बुध नहीं रहती, एकदम डायरेक्ट का टेंशन स्क्रीन पर होता है, जबकि उस उन पिक्चरों से हमें कुछ मिलता नहीं है। जो अटेंशन ढाई घंटे हम पिक्चर हॉल में देते हैं ना, अगर वो 10 मिनट की अटेंशन कर यहाँ पर दे देना, तो सचमुच में जब जाओगे ना तो अकेले नहीं जाओगे, या आपके पीछे पीछे आपको घर तक छोड़ने जाएंगे, ये वादा है। बॉम्बे कीर्तन था 1.5 साल पहले, मलाड में कीर्तन था, और कोई एक गुजराती आंटी का किसी का फोन आया, उम्र उनकी 60-65 साल थी, गुजराती बोलती थी, हिंदी नहीं बोल पा रही थी। मेरे पास टेलीफोन आया कि बेटा मैंने भजन सुना तुम्हारा, श्याम बाबा का भजन सुना, और मुझे कुछ कुछ हुआ, और मुझे पता चला कि आज कहीं कीर्तन है, कहाँ पर है? मैंने कीर्तन बताया, बोला बेटा बहुत दूर है। मैंने कहा आंटी आना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि आपके जो भाव हैं, आप आओगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ आज कुछ मिला है। वो आंटी आई कीर्तन में आई, और कीर्तन में आने के बाद पूरे 2 घंटे कीर्तन में बैठी, और उसके बाद से बम्बई के हर कीर्तन में वो आती है, आंटी हर कीर्तन में वो आती है, आउटर बॉम्बे में रहती है, और वो कहती है कि बेटा मुझे ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, भजन तो मैं रोज़ सुनती हूँ, दिन भर सुनती हूँ, लेकिन कीर्तन में आकर मुझे एक ही बात समझ में आई कि कभी भी कोई भी मुसीबत हो, बस सिर्फ दोनों हाथों को उठाकर सरेंडर कर दो, हारे के सहारे की जय बोल दो, काम बन जाती है। बोले मैं खाटू जाकर आई, और खाटू जाकर आने के बाद में मेरा एक भी काम ऐसा नहीं है जो कभी भी अटक गया हो। 1.5 साल के अंदर में मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे सिर पर मेरा गार्जियन, मेरा बाप बैठा है। एक गुजराती लेडी जो मैं शायद श्याम बाबा को कभी नहीं जानती थी, ऐसा दरबार है। मैं एक ही निवेदन करूँगा कि दिल से बाबा को भजन सुनाइए। आप लोग सोचते होंगे ना कि कर्मा बाई का कीचड़ खाने आया, हमारा कैसे आएगा,
आप लोग सोचते होंगे कि नानी बाई का भात भरने आया है, हमारा कहाँ आएगा? आपको एक बात बता दूं, भात भरने वाला और खीचड़ खाने वाला आज भी वही है, भक्त बदल गए, कर्मा नहीं है और नरसी नहीं। अगर आप अपने घर में भोग लगाना चाहते हो ना, एक छोटा सा काम करो, रोज अपने किचन में खाना बनाओ, खाना बनाते समय पीछे भजन चालू कर दो, और रोटियां बेल रहे हो और रोटियां बेलते बेलते दो लाइन तो आएगी, एक भजन सुनोगे दो लाइन तो गुनगुनाओगे, बस वो दो लाइन ही प्रेम धुन जो रोटियों में घुस जाएगी ना, उसी के बस ये दौड़ कर आ जाएगा, कच्चा झटका भी खाकर चला जाएगा। घर वाले को कच्चा फलका तो छोड़ो, अगर थोड़ा सा घी कम चुपड़ा हुआ हो ना तो पांच बार सुना देता है, लेकिन भाव का अगर आधा भजन भी आधी लाइन भी अगर उस आटे में गुज गई ना तो कच्चा फलका भी खाएगा, और वैसे ही खाएगा जैसे विदुराई का केले का छिलका खाया था और विदुर का केले का फल छोड़ दिया कि तेरे फल में वो स्वाद नहीं है जो विदुराई के छिलके में स्वाद है। ये तो ऐसा है हमारा देव। आइए प्रेमियों, बाबा से क्या मांगा हो, बहुत प्यारी पुकार है, सब कुछ है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मुझे मालूम है भगवान की असीम कृपा है आप सब सर, फिर भी एक चीज चाहिए, और वो क्या चाहिए? आइए जो मैं कह रहा हूँ अगर आपको चाहिए तो जरूर बोलिएगा। I'm not afraid.
किसी भी जबान की भी गारंटी नहीं है, फिर भी सारी चिंता दूर कर रहे हैं, बैठे यहाँ पर हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग अभी भी कल मार्केट क्या खोलेगा इसमें लगा हुआ है। होना वही है जो ये चाहिए, हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा, करके देख लो इतिहास कर्म जरूर करना चाहिए, कर्म जरूर करना चाहिए, बिना कर्म के फल नहीं मिलता। लेकिन कर्म के अंदर में एक विश्वास भी होना चाहिए कि मेरे जो कर्म है वो आपकी कृपा के कारण हो रहे हैं। पीएम ही क्यों नहीं हो, अगर वो हमें दबा रहा है और हमारी गलती नहीं है, फिर
Thank you.
फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे भजनों में डूबा रहा। इतिहास गवाह है प्रेमियों, मैं तो बालक हूँ, बुजुर्ग बैठे हैं, नरसिंह जी तक गाड़ी लेकर चले, क्योंकि नानी के मुंह में है थे स्वयं त्रिलोकी का नाथ, किसका खाकी बनकर आ गया, स्वयं नरसिंह जी की गाड़ी में बैठ गया, कहा नरसिंह जी तुम भजन सुना दो। नरसिंह जी को नहीं पता था कि भगवान बगल में बैठे हैं, बस नरसिंह जी तो मोटे साधु थे, भजन में कितनी ताकत है, ये तालियां बजाने के लिए क्यों कहते हैं यह भी बताता हूँ। नरसिंह जी भजन सुनाने लगे, श्रीमद कन्हैया ने भर दिया वैसा भात न कभी भरा गया न कभी भरा जाएगा। लक्ष्मी जी को आदेश दिया अष्ट पहर बरसना, दीवानगी देखो, दीवानगी ऐसी देना बाबा कि उसके बाद मैं नहीं हारूं तू हारे, मैं नहीं हारूं तू हारे। आपको क्या पता है, सब कोई कहते हैं हारे का सहारा, बिल्कुल है, लेकिन ये भी मंदिर में बैठे बैठे रोज सोचता है कोई तो ऐसा आए, कोई तो ऐसा आए जो भक्ति की परिकाष्ठा से भी मुझे रिझा ले जाए और मुझे कोई हरा कर चला जाए, कोई तो ऐसा आए। जब भात भर गया अष्ट पहर, लक्ष्मी जी ने धन प्रसाद दिया अंजार नगर में, कन्हैया चले गए, नरसिंह जी भी अपनी पोली उठाकर जब जाने लगे कुछ नहीं बचा। अचानक किसी घर में एक बच्ची पैदा हो गई और वो घर वाले दौड़ कर आ गए, नरसिंह जी इसके लिए भी अब कुछ ना कुछ दे कर जाओ। नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए, फूटी कौड़ी नहीं बची थी। उसने कहा हमें नहीं पता, सबको मिला, आज इस बच्ची को नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता। बोले जिसने भाग भरा वो तो चला गया, बोले हमें मत बहला, कुछ ना कुछ तो करके जाना पड़ेगा। और आखिर में जब नरसिंह जी के पास कुछ नहीं था तो जिस खड़ताल को बजा बजा कर वो ठाकुर को रिझाते थे उसी खड़ताल को बेच दिया, गिरवी रख दिया, और जो चवन्नी दुवन्नी जो मिली उसी को देकर नरसिंह जी चले गए अपने गाँव। नरसिंह जी तो चले गए, खलबली यहाँ बच गई, क्योंकि जिस भजनों का ये भूखा है ना, जब वो खड़ताल नहीं बजी तो नरसिंह जी भजन नहीं कर पाए। और एक दिन दो दिन निकल गए, ठाकुर को आना पड़ा और कहा नरसिंह भजन। नरसिंह जी ने कहा आपने तो मेरी खड़ताल भी नहीं छोड़ी ठाकुर, ऐसी परीक्षा दी, लेकिन वो भक्ति की परिकाष्ठा थी, वो भक्ति की परिकाष्ठा थी कि वो परीक्षा लेते लेते हार गए, भक्त परीक्षा देते देते नहीं हारा। बहुत आसान है, कई लोग कह देते हैं दो साल से खाटू जा रहा हूं, चार साल से मैं वृंदावन जा रहा हूं, मेरा काम नहीं बना। अरे तुम बाबा के लिए गए ही नहीं, तुम गए सिर्फ काम बनवाने के लिए, तुम सौदा करने गए थे, व्यापार करने, अरे जाके समर्पण कर। इनको भगवान मत मानो, क्योंकि भगवान मानोगे तो भक्त बनना पड़ेगा, और नरसिंह भक्त से बड़ा भक्त तो मैं नहीं समझता, नरसिंह भक्त जैसी परीक्षा नहीं दे पाओगे। पिता मानो ना इनको, इनके पास जाकर इनको कहो कि मैं नालायक हूँ, लेकिन पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता, आज से मुझे, आज से आप मेरे पिता बन जाओ, समर्पण करके आओ ना,
क्या फर्क पड़ता है अगर एक रात खाना नहीं मिला, अगर दो दिन फाका हो भी गया क्या फर्क पड़ता है। शिकायत नहीं करनी है, रोटी नहीं मिली पानी को फ्री का आता है, एक गिलास में पानी रख दिया ठाकुर के पास कि बाबा कल आपने दो रोटी खिलाई, एक आपको भोग लगाया फिर खाया मैंने, आज मेरे पास रोटी का जुगाड़ नहीं है, आज पानी है, आप इसका भोग लगाओ उसके बाद मैं भी पी के सोऊंगा, कल मेरे पास कोई जुगाड़ होगा तो पहले आपको खिलाऊंगा। कलेजा इसका फटना चाहिए प्रेमियों, सर्व इसको आनी चाहिए। भक्ति के परिभाषा वही है, यही दीवानगी चाहिए। कहा दया में दया करना, दया पैसे से मत करना, दया समाज में मेरा नाम हो जाए, जगह जगह बैनर छप जाए, वो दया नहीं चाहिए। दया ऐसी चाहिए कि मैं आपका दीवाना बन जाऊं, शिकायत नहीं करूं, बस जिस हाल में रखो उस हाल में मैं रह पाऊं, इतनी कृपा कर दो, यही दया चाहिए ठाकुर आपसे। बोल हारे के। आइए प्रेमियों, एक और भक्त बाबा के दरबार में पहुंचा, उसने बाबा से क्या मांगा। आइए, सुबह निकलते थे रथ चलता था, रथ में भजन बजता था, रथ में भजन बजता था, डिवाइडर पर किलोमीटर लिखा होता था, डिवाइडर देखते थे 100 मीटर लगता था 5 किलोमीटर के बराबर, और भजन चल रहा है और भजन गाते गाते रथ को पकड़ के चल रहे थे, 5 किलोमीटर निकल जाता था, पता चलता था कि अभी तो 100 मीटर 200 मीटर ही आए हैं, पता ही नहीं चलता था कैसे सब रास्ता कट जाता है, कैसे समय कट जाता है। भजन में वो ताकत है प्रेमियों, और आपको बताऊं मैं, ये सौभाग्य है हमारे, मेरे पिताजी की उम्र के बैठे हुए हैं, ये सौभाग्य है जिनको आज के समय में जन्म मिला है ना, क्या तो वो भाग्यशाली थे जिनको सचिव में जन्म मिला, या 50 साल 60 साल पहले जन्म मिला, या फिर आज की जो पीढ़ी जो धर्म की बेल आज हरी हो रही है, आज प्रभु की तरफ ध्यान यंग ब्लड का बढ़ रहा है, 25 साल के 30 साल के नौजवान जिनको आज एहसास हो गया है कि जितना ही साइंस तरक्की कर ले, कितना ही साइंस तरक्की कर ले, अगर इनकी कृपा होती है ना तो अंगूठा छाप के यहाँ पर भी 10-10 MBA नौकरी करते हैं, अंगूठा छाप के यहाँ पर भी इसकी कृपा होनी चाहिए। इसलिए आइए, क्या मांगा।
पूरे पूरे अभी तक नहीं उठाया, उठा लेना और मिलकर बोलना भोले ले रे श्याम इब तो ले मेरा What?
जितने भी जमीन में खड़ी नजर आई, ऊपर से कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। रुक्मणी जी बगल में खड़ी, अरे नाथ ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन की लाज जा रही है, तुम बांसुरी ठोक रहे हो। कन्हैया ने कहा, अभी समय नहीं आया है, अभी मेरी बहन को अपने परिवार वालों पर भरोसा है, पहले उनका भरोसा पूर्ण लेने। तालियां बजाना, जब कोई काम नहीं आया, जो शासन साड़ी खींच रहा था, तब द्रौपदी दोनों हाथों से अपनी साड़ी बचा रही थी। फिर रुक्मणी ने कहा, नाथ जाओ, नहीं अभी समय नहीं आया। तब द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर उठाया और एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी। तब फिर कहा रुक्मणी ने, नाथ जाओ। कन्हैया ने कहा, नहीं अभी समय नहीं आया, अभी मेरी बहन को अपने हाथों पर भरोसा है, पहले उसे अपने हाथों से अपना काम कर लेने दे। और जब आखिर में द्रौपदी को लगा कि अब मेरे बस में नहीं है, तब उसे हरि की याद आई और दोनों भुजाओं को उठाकर कहा, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। दर्शन हो जाते, नजर नहीं आए, लेकिन अनंत कर डाला चीर, खेलता चला गया, लेकिन चीर का अंत नहीं हुआ। तू रखवाला खेल निराला, तू रखवाला खेल निराला, तुम्हारा रे कन्हैया हटवाले। क्या कहना, बाबा मैं तेरा और तू। और रात को जब सो बिस्तर पर लेटने के बाद में दोनों आंखों को ऐसे करके दोनों भुजाओं को उठाकर, बाबा मैं तेरा और तू। गारंटी से कहता हूँ, आप इसके बनोगे कि नहीं बनोगे गारंटी नहीं है, लेकिन कसम श्याम की आपका जरूर बन जाएगा ये गारंटी। ये लाइन सारे गाना, मैं हूँ झूमे 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 झू
कम से कम हॉल में आवाज आनी चाहिए, पूरा हॉल गूंजना चाहिए, पूरी ताकत लगा जोरदार आवाज में बोलेंगे क्या ओ भक्त चार बार पूछ लेती है ना तो बेटे को लगता है कि वो इसकी जिंदगी में खलल डाल रही है, वो एक एक बेटे का रिश्ता नहीं निभा पाता। इसलिए फर्ज निभाना, आस उससे करना जो माँ का रिश्ता भी निभाता है, बाप का रिश्ता भी निभाता है, बेटे का भी निभाता है, भाई का भी निभाता है और मित्र का भी निभाता है। कसम श्याम की, जिस रिश्ते में जिस रिश्ते से रिश्तेदारी करो उस रिश्ते में आकर दिखा देता है कि जब तूने मुझे माँ कहा तो मैंने माँ बनकर तेरे सिर पर हाथ तुझे अपनी गोदी में बैठाया, तूने मुझे पिता कहा तो तेरे सिर पर हाथ फिराया, तूने मुझे भाई कहा तो कंधे से कंधा मिलाकर तेरा साथ दिया। आइए आस रखना तो सिर्फ इस ऊपर वाले से आस रखना, किसी और से आस मत रखना। तुम्हारी है,
Thank you.
सर्प है, अगर सर्प मंजूर हो तो नाव को हाथ लगाना वरना डूब जाने देना, नहीं चाहिए मुझे किनारा। भगवान ने देखा सारी दुनिया आ गई है, बाबा आ जा बाबा आ जा, ये आने के लिए सर्प रख रहा है, पूछा बोल क्या सर्प है। कहा ठाकुर तू आली, तेरा दरबार आली, कलयुग का अवतार, तेरा नाम गूंज रहा है, जो एक बार जाता है वो अकेले जाता है, लेकिन अगली बार जाता है तो पांच सात दस को साथ लेकर जाता है। तू आली, तेरा दरबार आली, तो तेरा जो ये भक्त है ये मवाली छोटी है, इसका भी काम बने तो सहनशाही तरीके से बनना चाहिए। आज एक एमएलए का जो पीए होता है वो एमएलए से ज्यादा ताकतवर अपने आप को समझता है, और मोदी जी का पीए अगर हो तो फिर बात ही क्या है। हम भी उस दरबार के दरबारी हैं, कहा बाबा दुनिया के नाव को बीच मझधार से लुढ़कते लुढ़कते किनारे पर आके देखा है, लेकिन मेरी नाव, अगर मैं तेरा प्रेमी हूं, मैं तेरा भक्त हूं, तो मेरी नाव किनारे नहीं जाए, बल्कि किनारा चलकर मेरी नाव के पास आए, तब तो पता चले कि श्याम प्रेमी की नाव किनारे है। अब पार देखो इतने लोग उठे मुझे, मैंने नहीं रोका, हाई फाई जगह सोचकर बोलना पड़ता है, लेकिन आप उठे तो मुझे लगा कि आपको रोकना चाहिए, क्या पता कृपा हो डायरेक्ट होने वाली है शायद आप पर। आइए प्रेमियों, डूबते हुए तू पुकारा, बहुत लोगों को देखा, लेकिन करोड़ों अरबों में कोई ऐसा दीवाना मिला जो कहता है बाबा डूबने में मजा आ रहा है, बाबा डूबने में मजा आ रहा है। अब उसके भाव सुनना माताओं बहनों, दीदी दीदी ओ दीदी, नहीं करो बात, बस और दो तीन भजन मुझे झेल लो, बस ज़्यादा नहीं, खाना रेडी है, प्रसाद अभी तो खाना है, प्रसाद लग जाएगा तो प्रसाद रेडी है, बस दो तीन भजन मैक्सिमम हाफ एन आवर, ठीक है। आइए, बड़े भाव है, अभी तक मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन मैं निवेदन करूँगा इस एक भजन के अंदर में बिल्कुल अटेंशन रखिएगा, बिल्कुल कहीं मत देखिएगा, अपना ये मस्तिष्क है उसको बिल्कुल अटेंशन रखिएगा, उस भक्त ने क्या कहा, डूबने में क्या मजा है, और इसमें डूबिएगा फिर देखिएगा शायद क्या आनंद है आपको। आइए, thank you.
मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतने पास आ गया मैं। We'll be right back.
लेकिन डूबता है हमारे कारणों से।
एक सेठ था जिसको एक ही मकसद था कि पैसा कमाना। पैसे के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। सुबह उठता और उठकर काम में लग जाता, रात तक सिर्फ पैसा और पैसा और पैसा। कभी किसी को कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी किसी पर दान धर्म नहीं करता, क्योंकि सेठ सोचता था कि भगवान मुझ पर मेहरबान है, जभी तो मैं मिट्टी को हाथ लगाता हूँ सोना बन जाता है। उस मूर्ख को नहीं पता था, उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि जो कुछ आज वो भोग रहा है अपने कर्मों के कारण नहीं है, पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे जिस कारण आज ये मौज बरस रही है। आज अगर मोदी जी पीएम की कुर्सी पर हैं इसलिए नहीं है कि इस जन्म में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया, बल्कि इसलिए कि पिछले जन्म के कोई अच्छे काम अच्छे प्रारब्ध थे जो आज उनको सबसे बड़ा ऊंचा सिंहासन मिला। ये प्रत्यक्ष है। उसको ये नहीं मालूम था कि जिस दिन पिछले जन्म का अकाउंट बराबर होगा उस दिन सड़क पर आना पड़ेगा। और एक दिन वैसा ही हुआ, जब पिछला अकाउंट बराबर हो गया। पुराने जमाने में कहते थे ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है तो फिर धन की संचय करने की क्या दरकार है, अपने आप ही कर लेगा। और कपूत है तो कितना ही करके चले जाओ ना, सब मटिया मेट कर देगा। इसलिए पुराने जमाने में 50 साल पहले अड़ोसी पड़ोसी भी तकलीफ में होता था तो लोग आते थे कंधे पर हाथ रख कर, अरे भाई परेशान मत होना, रुपये पैसे से भी परेशान मत होना, हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। आज नहीं है। समय जब बदला, पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब बराबर हो गया। एक रात सेठ सोया था करोड़पति, लेकिन आधी रात को इतनी बड़ी सुनामी आई कि बीवी बच्चों के समेत सड़क पर आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। दो चार दिन में ऐसे हालात हो गए कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसके पॉकेट में 10 रुपये नहीं थे। सड़क के किनारे माथा पीट रहा था, किसी श्याम प्रेमी की नज़र पड़ गई। उसने कहा, सेठ जी क्यों परेशान हो। सेठ रोने लगा, बोले मेरी परेशानी का कारण कोई नहीं, मैं खुद हूँ। मैंने जब मेरे पास सब कुछ था, कभी किसी देवता को नहीं मनाया, कभी किसी गरीब किसी असहाय पर कृपा नहीं करी। एक वक्त था जब दुनिया मेरे सामने हाथ बांध कर सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, आज मेरा बुरा वक्त आया तो वही मेरे सामने आते हैं और सिर उठाकर हंस कर चले जाते हैं, हर जगह से हार गया। श्याम प्रेमी ने कहा, अभी एक दरवाज़ा है, मुझे पता है, जिस दरवाजे के अंदर जो रहते हैं उनका नाम है हारे का बाबा श्याम। आप एक बार हारे के सहारे खाटू वाले श्याम के दरबार में पहुंच जाओ। सेठ रोने लगा, अरे पगले, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, दाना नहीं है उनको खिलाने के लिए, तेरे बाबा के पास कैसे जाऊं। मैंने अपने पॉकेट में हाथ डालकर जो कुछ भी मिला निकाल कर दिया, कहा पहले बच्चों को खिला दो उसके बाद चले जाओ और जाकर मेरे श्याम के दरबार में अपना हाल सुना देना। और मैं वादा करता हूँ वहाँ से आने के बाद आज तुम्हारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। वहाँ से आने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप दुनिया के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहे होगे। एक दिन ऐसा आएगा वापस। पूछते पूछते पहुँच गया खाटू। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे कुछ कुछ होने लगा। 13 सीढ़ी पर चढ़ा और जो ही बाबा के सामने पहुँचा सब कुछ भूल गया। सारे रास्ते सोचता आया, ये कहूँगा, लेकिन जो खाटू गए हैं उन्हें पता है इसके दरबार में पहुँचने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता, खो गया। आंखों से आंसुओं की धार बरसने लगी। अचानक उसे लगा कि उसे कोई आवाज़ आ रही है और कह रही है, अरे पगले, रोता ही रहेगा या कुछ कहेगा भी। और फिर उसने अपनी दास्तान बाबा से सुनाई। सुनना, और आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी कोई भी तकलीफ हो मन माड़ा मत करना, बस ये लाइन कह देना, शायद बाबा की कृपा हो जाए। आइए,
कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार, कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार, ओ श्याम अब हाथ तू आके लगा जा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण ने पुकार, हारे के सहारे आजा। मैं निवेदन करूँगा अगर कोई ऐसा दरबार में बैठा है जो परेशान है, सब कुछ भूल जा, आप इन लाइनों को मेरे साथ गाना, हम बाबा से अरदास करेंगे आपकी परेशानियां दूर करें बाबा, पूरे हाथ उठा लेना पूरे पूरे, और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, हारे के सहारे लो माता।
उसके साथ समापन करेंगे, लेकिन एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर। कोशिश करना कि अपने ऑफिस में, अपने प्रतिष्ठान में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्पीकर लगा दो और भगवान के भजन बजते रहें, चाहे जिस किसी भी देव को आप मानते हैं उनके भजन। और श्याम प्रभु तो कलियुग का देव है, जिसका कहीं काम नहीं बनता उसका यहाँ काम अटकता नहीं है। प्रेमी होगी प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ, इसलिए कोशिश करना। और उसके बाद में दुनिया में कितनी ही मंदी आ जाए, कोई भी सरकार पलट जाए, उलट जाए, आपकी सरकार नहीं उलटने देगा, इस बात की गारंटी है। पता है आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरा कुल देवता है श्याम बाबा, मेरी सात पीढ़ियों में भी कोई नहीं जानता था कि खाटू खाएं और खाटू वाला कौन है। और जिस समय नहीं जानते थे ना, वो समय आज याद आता है तो कंपन होने लग जाती है। आज मुझे आप जैसे लोगों के बीच में खड़े होने का मौका मिला है। उस समय के हालात वो थे कि शायद ट्रेन में गाना पड़ता, ट्रेन में जाते हैं भीख मांगने आते ना लोग, गागा अगर आप लोग 10-5 रुपये देते हो, क्या पता वो स्थिति होगी। उस समय हालात ऐसे थे, शाम को नहीं जाने थे, बस कोई काम नहीं था, कोई काज नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी। किसी श्याम प्रेमी ने कहा बस गाना गाने का शौक था। किसी श्याम प्रेमी ने कहा गाना अच्छे गाता है, एक भजन श्याम बाबा को सुना कर दे जिंदगी बदल देगा। और मुझे कलकत्ते के कीर्तन में 32-33 साल पहले ले जाकर खड़ा कर दिया। और वहाँ रात को 3-3:30 बजे बाबा को एक भजन सुनाया, कहा बाबा जो भी आ रहा है बोल रहा है हारे का सहारा, मैं भी हारा हूँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं खुद देखूँगा नाचते हुए तभी बोलूँगा मैंने देखा। तो बदले ज्योतिष आएंगे आपको कहेंगे मंगल की दशा है, शुक्र की दशा है, 7.5 है शनि की। लेकिन प्रेमियों झूठ नहीं कहता, उस दिन का वो एक भजन काम आ गया, वो दिया कि मैं दरबार में कहता हूँ। मुकेश अंबानी को संतोष नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि मुझे बाबा ने बहुत खुश किया। इसलिए सच्चा दरबार है, कोई दो राय नहीं, जो निश्चल भाव से इस दरबार में जाकर सिर्फ माथा टेक देता और कुछ नहीं कहता ना, उसके अगर शनि भी
शनिदेव की भी अगर दृष्टि खराब होती है ना तो उनसे सेटलमेंट करने के लिए बाबा जाते हैं। जैसे आपके मार्केट में अगर कपड़ा व्यापारी है, अगर हार्डवेयर व्यापारी है, इलेक्ट्रिकल व्यापारी है, अगर आपके मार्केट में कोई दो बड़े डील व्यापारियों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो मार्केट का जो माठ का आदमी होता है जो वो सेटलमेंट कराता है ना। अगर इस पर विश्वास है ना तो शनिदेव की साढ़े साथी होगी या मंगल खराब होगा या शुक्र खराब होगा आपको कुछ करने की दरकार नहीं। आप तो चैन से इसका नाम लेकर भजन सुनाकर, इसको रोज एक भजन सुनाकर चैन से पानी पीकर सो, उनके पास ये जाएंगे अरे भाई शनिदेव महाराज वो मेरा बच्चा है यार, उस पर कृपा कर। देखो अंदर में देवी देवता सारे एक हैं, है ना। इसलिए भजन में बहुत ताकत है प्रेमियों, कसम से मैं बच्चा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने जितना बोला वो अपने पर महसूस किया तब बोला, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा। और कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने कहा उसमें मैं 10% भी मैं अमल कर पा रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने कहा। भजन में बहुत ताकत है। आपके घर में यदि भजन हो रहा है ना तो मुश्किल प्रवेश नहीं कर पाएगी, दरवाजे तक जरूर आएगी लेकिन अंदर तो खाटू वाला शाम ही रहेगा, अंदर मुश्किल नहीं रहेगा। आइए चार लाइने। आजकल हम लोग जाते हैं, 40 साल पहले, 40-45 साल पहले जब खाटू श्याम जी जिनका कुल देवता जिनके जाट चढ़ूले होते थे, आप जाते हो ना खाटू जी, है आप लोगों का कुल देवता है किसी का, किसका है जाट चढ़ूले, बच्चों के चरूले इतने इतने हो जाते थे, 15-15 साल खाटू नहीं जाते थे क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल था, रास्ता था ही नहीं। लेकिन कसम से उस समय जो गया साक्षात श्याम को देखा, कई किस्से सुने कि बालू के टीले नजर आते थे, भटक भटक कर जब परेशान होते थे तो कोई ना कोई बुजुर्ग आता था और कहता था भाई कहाँ जाना है, बाबा खाटू जाना है, बस इधर से चले जा सीधे, बताकर 2 मिनट बाद ओझल हो जाता था, पता नहीं चलता था। ऐसे सैकड़ों किस्से सुने हैं, सैकड़ों। श्याम स्वयं आता था रास्ता बताने, आज भी है। उस समय जिनके कुल देवता होते थे वो रास्ता मुश्किल है बोलकर 15-15 साल जरूले नहीं होते थे, 30-35 साल जाग नहीं लगती थी, ये हालात थे। लेकिन जैसे जैसे रास्ता सुगम होता गया, जिनके जाग जरूले होते थे वो तो जा रहे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसने सुना कि भाई फलाना आदमी कल तक तो बिल्कुल फटे हाल था, आज लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या हुआ भाई, वो किसी खाटू वाले श्याम के दरबार में जा रहे हैं, उसने भाई मुझे ले चलेगा भाई चल।